क्लाइंट है संजीव मलिक। ईएफटी के बारे में मैंने आपको पहले दूसरे वीडियो में समझाया हुआ है। ईएफटी का मतलब है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक्यूप्रेशर और अफर्मेशन का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, जिससे कोई भी बीमारी का, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, फोबिया हो, कोई बुरी लत पड़ी हुई हो, ऐसी किसी भी चीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेगेटिव सोच बहुत ज्यादा आती हो, जो आपको अभी हो, इस समय आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को आप लाइव जो है अपने आप पर ट्राई करके देख सकते हैं। तो ईएफटी का पूरा प्रोसेस मैंने दूसरे वीडियो में अच्छे से समझाया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस पूरी टेक्निक का प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है, तो आपका नाम क्या है? सर अक्षय जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे हाइट फोबिया है, बहुत डर लगता है जब भी इसके बारे में सोचता हूँ, हाइट फोबिया में, और सोचने में डर लगता है। ट्रेन में भी अभी जैसे हाइट से डर लगता है, बहुत डर लगता आपको लगता है कि जैसे किसी बिल्डिंग की है ऊंचाई पर बिल्डिंग की आप खड़े ऊंचाई हो पर। और मैं नीचे झांकते हो तो आपको हाँ फील मेरे को डर होता लगता है। है। अभी करके देखो, अभी कैसा लग रहा है जरा, जैसे इमेजिन करो कि तुम बिल्डिंग से किसी नीचे जगह झांक रहे हो। नहीं, डर लग रहा है। ओके, अच्छा, एक से लेकर 10 की स्केल में डर कितना है? एट नाइन नाइन। चलो नाइन 9 मान नाइन लेते, ठीक है। तो 9 का इनको डर है अभी। अख्तर को हाइट फोबिया है। ऐसा कोई भी फोबिया आपको किसी को भी हो सकता है, तो इसके साथ साथ आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैं अभी इनको पूरा प्रोसेस करवा रहा हूँ ईएफटी का, इसके बाद आप देखेंगे कि इस फोबिया में कितना चेंज आता है। तो आपको हाइट फोबिया है, तो सबसे पहले अपना हाथ आगे करेंगे यहाँ पर। आप साथ साथ मेरे साथ साथ बोलेंगे, जो मैं कहूंगा मेरे साथ साथ बोलेंगे। माना कि मुझे हाइट फोबिया है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ। माना बोलो कि मुझे हाइट फोबिया है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ। तीन बार। माना माना कि कि मुझे मुझे हाइट हाइट फोबिया फोबिया है। है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ। माना कि मुझे हाइट फोबिया है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपने आप से प्यार करता ठीक है, आपको इस पॉइंट पर, कराटे चोक पॉइंट जो है, इस पर आपको इस तरह से टैपिंग करनी है, या खुद भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं केवल आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड रिपीट करेंगे, रिपीटेशन फेरेज, इसका नाम है हाइट फोबिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर मैं करूंगा। आप 3 बार रिपीट करेंगे मेरे साथ, हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट हाइट फोबिया। फोबिया, परफेक्ट। अब मैं करूंगा फिर से यहाँ पर, हाइट फोबिया, हाइट फोबिया, हाइट फोबिया, हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट 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 फोबिया। लगभग 7 टाइम आपको रिपीट करना है। हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट फोबिया, ये हाइट लास्ट फोबिया, पॉइंट, हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट हाइट फोबिया। फोबिया। अब ये हाथ के ऊपर 7, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर, जहाँ पर अंगूठे का पिछला हिस्सा होता है, यहाँ पर, यहाँ से इस हाथ की उंगली से आपको ऐसे करना है, हाइट फोबिया, हाइट फोबिया, हाइट फोबिया, हाइट फोबिया, हाइट फोबिया, हाइट हाइट फोबिया, फोबिया, हाइट हाइट फोबिया। फोबिया। अंगूठे के नाखून के बिल्कुल एज वाले हिस्से पर। ओके, हाइट फोबिया, हाइट हाइट फोबिया, हाइट फोबिया। सिर्फ मिडिल फिंगर को छोड़कर, बाकी लास्ट फिंगर पर, फिर से बेबी फिंगर पर, हाइट फोबिया, हाइट फोबिया, हाइट फोबिया। ओके, सो दिस इज द फुल सीक्वेंस इज द। अब 9 गैमेट पॉइंट्स हैं, राइट? तो एक बार आपने यहाँ पर, ये आपका जो मेन गैमेट पॉइंट है, ये दो आपकी जो सबसे लिटिल फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इसके बीच में लगभग 1 इंच नीचे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा। आप नंबर 1 पे सबसे पहले आंखें बंद कर लें। ओके, परफेक्ट, आंखें खोल लें। ओके, परफेक्ट। अब इस तरह से लेफ्ट में देखेंगे, अपने लेफ्ट में देखिए, परफेक्ट। आंखें, सिर को मूव नहीं करेंगे, हाँ, केवल आंखें मूव करें। राइट में देखें, राइट में देखें, परफेक्ट। एक बार आंखों को क्लॉकवाइज घुमाइए, सिर को बिना घुमाए, एंटी क्लॉक घुमाइए। ओके, परफेक्ट, ये हो गया। अब एक बार वही काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर
एक बार फिर लास्ट में हमें हमें ओके परफेक्ट सीक्वेंस इज कंप्लीट। एक बार बताओ चेक करके देखो कि क्या सा लग रहा है, हाउ यू फील अबाउट योर हाइट हो गया। पर फिर इमेजिन करो कि तुम बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे झांकने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें कैसा लग रहा है अभी, क्या उतना ही फियर है, उतना ही फोबिया है, कुछ कम हुआ, कुछ चेंज आया, कुछ कम हो गया, कितना लग रहा है अभी? सिक्स ऐसा सिक्स लग रहा है जैसे बिल्डिंग छोटी हो गई है। बिल्डिंग छोटी हो गई है। ओके ग्रेट, चलो देख पा रहे हो मतलब नीचे झांक पा रहे हो, परफेक्ट। बिल्डिंग पहले ऊंची थी, अब नहीं, बिल्डिंग को ऊंचा कर दो ना, बिल्डिंग को छोटा ही करना, बिल्डिंग ऊंची इमेजिन करो, उसमें चेंज नहीं लेकर आना। एक बार दोबारा झांक के देखो, हाउ डू फील, ऊंची बिल्डिंग है बिल्कुल। मान लो एफिल टावर से नीचे झांक रहे हो, कम है कितना? सिक्स सिक्स, 10 की स्केल तक सिक्स लगा है। आउट ऑफ ओके सिक्स। गुड, तो देखिए हमने एक बार ये पूरा प्रोसेस किया और 1 से 10 की स्केल से 9 से इनका लेवल जो है अभी 6 पर आ गया। मैं पूरे प्रोसेस को एक बार फिर रिपीट करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, आई विल जस्ट स्टार्ट विद दैट। अब एक बार अब हम सीधा सीधा कहेंगे, माना कि मेरा हाइट फोबिया, मेरा हाइट फोबिया थोड़ा कम हुआ है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अभी भी मुझे हाइट फोबिया है। तो आपने बोलना है अभी भी मुझे हाइट फोबिया है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मुझे अभी भी हाइट फोबिया है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मुझे अभी भी हाइट फोबिया है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। ओके, हाइट फोबिया थोड़ा कम, हाइट फोबिया 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 कमाई 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 फोबिया। ओके परफेक्ट, यहाँ पर कहेंगे कमाई फोबिया 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 कमाई फोबिया, उसके करेंगे कमाई फोबिया कमाई फोबिया कमाई फोबिया। परफेक्ट, अब लास्ट में ये जो गया मेरा पॉइंट है। ओके, एक बार बस यहाँ पर मैं करता रहूंगा, अब आपने सिर्फ यहाँ पर देखना है। एक बार आंखें बंद, आंखें खुली, लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, लेफ्ट क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉक घुमाइए, एक बार हमिंग करेंगे। ओके परफेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 9, एक बार फिर हमिंग करेंगे। ओके परफेक्ट, डन। एक बार फिर चेक करें, हाइट हो गई चेक करें, बिल्डिंग उतनी ऊंची रखना, बिल्डिंग कम छोटा नहीं करना। एफिल टावर बिल्कुल ऊंची से ऊंची जगह पर खड़े हो और बिल्कुल नीचे झांक रहे हो, एकदम सीधा स्ट्रेट नीचे देखो, कुछ चेंज है क्या लग रहा है? बिल्कुल जीरो, जीरो नहीं, थोड़ा कितना कितना कितना? 3% 10 में से 10 में से 3 अभी भी है। ओके लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, परफेक्ट। एक बार हालांकि मेरा डर बिल्कुल कम हो गया है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मेरा हाइट फोबिया बहुत कम हो गया है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मुझे बहुत कम हाइट फोबिया है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मुझे बहुत कम हाइट फोबिया है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। बहुत कम हाइट फोबिया, 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 बहुत कम हाइट, बहुत कम हाइट को दिया, 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 बहुत कम हाइट को दिया। ओके परफेक्ट, मैं यहाँ पर रहा हूँ, आप एक बार फिर से आँखें बंद, आँखें खुली,
एक्सट्रीम लेफ्ट देखिए, एक्सट्रीम राइट देखिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉक घुमाइए, हम ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार फिर हम ही करेंगे। ओके परफेक्ट, एक बार फिर लास्ट टाइम चेक कीजिए अब कैसा लग रहा है। बिल्डिंग उतनी ऊंची रखिए, चेहरा नीचे झांकिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको किसी ने ऊपर नीचे फेंक दिया हो, आसमान से नीचे गिर रहे हैं, देखिए क्या फियर है। बिल्कुल परफेक्ट, श्योर, बिल्कुल श्योर, खड़ा हूँ नीचे हाइट पे, आगे बहुत हाइट पे, नीचे देख रहे हो, कोई डर नहीं लग रहा, कोई डर नहीं लग रहा, बिल्कुल परफेक्ट। मैं एक बार फिर आपको समझा दूं कि जैसे हमने अभी देखा, आप इस टेक्निक का यूज किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको किसी भी तरह की बैड हैबिट है, मान लीजिए आपको आपको ज्यादा खाने की हैबिट है, लेट उठने की हैबिट है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, या गुटखा या सिगरेट या शराब की प्रॉब्लम है, इसमें से कोई भी ऐसी चीज जो आपको मजबूर कर देती है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, रात को नींद नहीं आती प्रॉपर तरीके से, ऐसा कुछ भी समस्या है, तो आप ईएफटी की हेल्प हर केस में ले सकते हैं। क्योंकि हर चीज के लिए जैसे अफर्मेशन काम करते थे, यहाँ पर अफर्मेशन ही दे रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। यूएस में और यूरोप में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल टेक्निक आज के टाइम में इसको माना जा रहा है, लोगों को इतना बेनिफिट हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोग भी इस टेक्निक को करके इसका बेनिफिट उठाएंगे, और अपने ऊपर आप खुद भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं, और जो भी रिजल्ट आए आप हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट करके, हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, और अपना जो भी आपके व्यूज हों शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा किसी कारण से तो आप बताइएगा, तो फिर हम आपको और कुछ अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको और बताएंगे। जहां तक हमने जो भी क्लियर कर सकता था हमने आपको सब बता दिया है। बस इतना ख्याल करिए कि प्रॉब्लम के बारे में जब भी बताइए तो प्रॉब्लम को बिल्कुल स्पेसिफाई करके बताइए, जितना स्पेसिफाई करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल, कोई ये कह सकता है कि आई हेट माई जॉब, तो मैं इसकी बजाय मैं कहूंगा कि क्लियर बताइए कि क्या दिक्कत आती है, मुझे फाइल वर्क से स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है, आप ये कह सकते हो मुझे फाइलों से डील करना बहुत बुरा लगता है। ऐसा करके जब क्लियर कहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको तुरंत समझ आएगा। तो प्रैक्टिकली जाके चेक करें, अभी ऐसा नहीं कि इनको हाइट फोबिया, अभी मैं जैसे इनको मैंने कहा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके प्रैक्टिकली भी किसी बिल्डिंग के ऊपर जाके नीचे जाने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए और फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा। तो आप सभी लोग इस चीज को नोट करेंगे, प्रैक्टिकली अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमसे हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में और डिटेल ले सकते हैं। अगर इन टेक्निक में कोई भी चेंज करने की जरूरत होगी कुछ भी और आपको अपडेट करना होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। हमारे ऐसे बहुत सारे ऑडियो वीडियोज हैं और इन सभी को आप फॉलो करें, खुद भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।